नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के नए एसएसपी आनंद कुमार ने बुधवार को भागलपुर एसएसपी कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। 2012 बैच के आईपीएस और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक रहे आनंद कुमार को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद भागलपुर का एसएसपी बनाया गया है, जबकि अजय कुमार को भागलपुर के सिटी डीएसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही विधिवत रूप से दोनों पुलिस पदाधिकारियों द्वारा पदभार ग्रहण के बाद जिले की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी इन पदाधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। वहीं पदभार ग्रहण से पहले बुधवार को एसएसपी आनंद कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इधर पदभार ग्रहण करने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार एक्शन में दिखे और उन्होंने पुलिस अधिकारियों से सभी केस की फाइल मंगाकर मामले की जानकारी ली। वहीं एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि अपराध पर नियंत्रण उनकी जिम्मेदारी है और वो इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि किसी भी जिले में अपराध पर अंकुश लगाने में वहां की जनता की भी अहम भूमिका होती है, जबकि पुलिस कर्मियों को उनका पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गोपालगंज में अपराधियों के नेटवर्क को समाप्त किया गया है, उसी प्रकार भागलपुर में भी अपराधिक के सरगनाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा एसएसपी ने सरकार के नशा मुक्ति अभियान को लेकर कहा कि नशा कारोबारियों पर नकेल कसा जाएगा, जिसमें पुलिस को आम जनता से भी सहयोग की जरूरत होगी। साथ ही कहा कि किसी इलाके में अपराध से जुड़ी सूचना मिलने पर आम जनता उनसे सीधे सरकारी नंबर पर संपर्क कर सकती है, जिससे पुलिस को कार्यवाही करने में आसानी होगी। और अगर कहीं अपराध होता है तो उसका सही तरीके से डिटेक्शन और जो भी उसको कारित करने वाले हैं उनका जो उनको वैधानिक निष्कर्ष पर पहुंचाना वह हमारी जिम्मेदारी होगी। और इसके साथ ही साथ विधि व्यवस्था का संधारण शहर में और पूरे ज़िले में अमन चैन कायम रखना हमारी जिम्मेदारी होगी। और आप सभी लोगों का सहयोग की मैं अपेक्षा रखता हूं और पूरे ज़िले वासियों से भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं। और किसी को भी अगर कहीं से भी कोई सूचना मिलती है तो उनसे ज़रूर अनुरोध करता हूं कि जो हमारा सरकारी नंबर है, CUG नंबर है, उस पर कॉल करें या हमको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना को दे सकते हैं। आपका नाम कहीं भी उजागर नहीं किया जाएगा और उस पर उस सूचना के आधार पर जो भी उचित कार्रवाई है हम लोग करेंगे। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के समीप लोहिया पुल के नीचे मंगलवार की मध्य रात्रि सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई, जो देखते ही देखते काफी तेजी से फैल गई और 20 दुकान इसकी चपेट में आकर खाक हो गए। इस आगजनी की घटना में कई दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जबकि आग लगने के करीब 40 मिनट बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। वहीं पछुआ हवा के कारण तेजी से फैल रही आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि घटना रात के 1 बजे के आसपास की है, जब अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण एक दुकान में आग लग गई और तेज हवा के कारण आसपास में फैल गई। ये आग लगा, इसका तार से फोल्ड हुआ सर, इसका गोदाम से 20 आदमी का दुकान जला है सर। ये जब उसके अंदर से ही आग उठा तो जाने की तार से ही आग लगा, तार का कनेक्शन है इसके रूम में सर। हम पानी ला करके हम दिए IW वहाँ जो खदैया है पानी टैंकी वहाँ से ला के दिए। हाँ, 20-25 बाल्टी पानी दिए तब उधर से दुकान सब बचा, नहीं तो सबका दुकान जल जाता सर। भागलपुर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का सितम लगातार जारी है और तेजी से चल रही पछुआ हवा ने भी लोगों की मुश्किल काफी बढ़ा दी है। एक और जहां बर्फीली हवाओं के कारण लोगों को कपकपी का एहसास हो रहा है, वहीं मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल हाड़ कपाने वाली ठंड से अगले कई दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। बुधवार को भी सुबह से तेज हवाओं के साथ मौसम सर्द बना रहा, जबकि मौसम के मिजाज को देखते हुए अगले 8 जनवरी तक ठंड में तेजी देखी जा सकती है। दौरान पछिया हवा चलने की संभावना है, जबकि हवा की औसत गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसको लेकर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के PRO डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा ने मौसम विभाग के हवाले से बताया कि तेज सर्द हवाओं और अधिकतम तापमान में कमी रहने के कारण ठंड में लगातार वृद्धि की संभावना है। सुबह शाम कोहरा बढ़ने से ठंड भी लोगों को सता रही है और फसल को बचाने के लिए किसानों को भी जरूरी सलाह दी गई। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार पाला से फसल को बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने, जानवरों को घर के अंदर ठंड से बचाकर रखने, आलू की फसल का निरंतर निरीक्षण करने और झुलसा रोग लगने से बचाने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बुधवार को सिंडिकेट की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने की। इस दौरान बैठक में 2023-24 के बजट, विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल और एफिलिएशन समेत कई गंभीर मुद्दों पर सिंडिकेट सदस्यों ने चर्चा की और शैक्षणिक गतिविधि के अलावा शिक्षकों एवं कर्मियों से जुड़े सवालों पर अपनी बात कुलपति के समक्ष रखी। वहीं कुलपति आवास पर चल रही बैठक को देखते हुए आवास के बाहर छात्र राजद और आयशा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर राजद और आयशा कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को अविलंब पूरा करने की बात कही। वहीं बैठक को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन एवं पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बैठक में प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार और सिंडिकेट सदस्य मौजूद थे। आज विश्वविद्यालय में एक नहीं दर्जनों ऐसे मामला है जो छात्र से संबंधित है, कर्मचारी से संबंधित है, शिक्षक से संबंधित मामला अधेरे में लटका हुआ है। अभी जो है तिलका मांझी भागलपुर की स्थिति जो वर्तमान वीसी है भ्रष्टाचार में संलिप्त है, भ्रष्टाचारियों से घिरा हुआ है। यूनिवर्सिटी में अपना गाड़ी रहते हुए भी जो 60,000 पर मंथ गाड़ी भाड़ा पर लिए हुए हैं, किताब और कॉपी खरीद हुआ था उसमें भारी घोटाला हुआ था, हम लोग आवेदन भी दिए उस पर अभी तक जांच नहीं हुई है। दूसरी बात जो संजय चौधरी जो प्रिंसिपल थे TNB कॉलेज में, उनके 5 साल का कार्यकाल का उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। TNB कॉलेज का हरेक सामान बेच के जो है गमन कर गए हैं। दूसरी बात TNB कॉलेज में अभी प्रिंसिपल का मामला चल रहा है, यथाशीघ्र जो है वरीय शिक्षकों को प्रभार दिया जाए। दूसरी बात है हर एक विभाग अध्यक्ष रिटायर कर गए हैं, उसमें नियुक्ति नहीं हुई है, विभाग खाली है। नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अपराध नियंत्रण को लेकर SDPO दिलीप कुमार ने संबंधित थानाध्यक्षों को हत्याकांड की घटनाओं के मामले में तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान ठंड के मौसम में चोरी की घटना पर लगाम लगाने और इलाके में पुलिस कर्मियों द्वारा सघन गश्ती अभियान चलाकर पैदल गश्ती भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया। वहीं SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि इन दिनों साइबर अपराधी द्वारा लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूटने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। SDPO ने कहा कि WhatsApp या Facebook के द्वारा साइबर ठग किसी लड़की का उपयोग कर लोगों को ट्रैप करते हैं और जब लोग इनके जाल में फंस जाते हैं तो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे किसी भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल रिसीव नहीं करें। SDPO ने कहा कि अगर इस तरह के जाल में कोई फंस भी जाता है तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दे जाए, इसके बाद पुलिस साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। अपराध गोष्ठी में बीरपुर और नवगछिया अंचल के निरीक्षकों के साथ सभी थानाध्यक्ष मौजूद थे। हाँ, ये साइबर फ्रॉड का एक कहा जाए कि कुछ दिनों से चल रहा है, नवगछिया में अभी इधर आया होगा तो हमारे पास तो रिपोर्टिंग नहीं हुई है। तो ये भी केस साइबर फ्रॉड का है, जिसमें वो कुछ नेगेटिव फोटो वगैरह दिखा करके और डरवाया जाता है आगे पार्टी को कि आपने जो है हमारे साथ गलत किया है और उनसे पैसा ठगने का कोशिश किया जाता है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि जिनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं वो पुलिस के पास रिपोर्ट करें और इसमें जो दोषी हैं उनको पकड़ने का काम करेंगे ताकि और लोग ठगे नहीं जाएं। और पब्लिक से ये अनुरोध है कि जो अननोन नंबर्स हैं जिनसे वीडियो कॉल वगैरह आ रहा है उसको वो नहीं उठाएं। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV।
साथ फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के गोराहाडी प्रखंड अंतर्गत सारथ डहरपुर पंचायत डंडा बाजार गांव में कहलगांव विधायक पवन यादव का जन्मदिन ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान विधायक निधि से बनने वाली दो महत्वपूर्ण सड़क का विधायक पवन यादव ने शिलान्यास किया, जिसके बाद इलाके के लोगों और किसानों ने विधायक को अपनी समस्या बताई, जिस पर विधायक ने अविलंब समाधान करने का भरोसा ग्रामीणों को दिया। लोगों ने बताया कि पानी की समस्या के कारण उन लोगों को खेती किसानी करने में काफी कठिनाई होती है, जिससे वे लोग समय पर खेती नहीं कर पाते हैं। साथ ही कहा कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो सभी अगले विधानसभा चुनाव में किसी को वोट नहीं करेंगे। वहीं विधायक ने सभी समस्या को सुनने के बाद इसे विधानसभा में उठाने की बात कही और जल्द ही सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य सन्नी कुमार यादव, पवन कुमार चौधरी, व्यापार मंडल अध्यक्ष कृष्णानंद यादव, गोपाल यादव समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए, हम कहलगांव विधानसभा किसान का बेटा होने के नाते और किसान परिवार में घूम रहे हैं। ये अंग्रेजी हिसाब से नव वर्ष रो शुभकामना भी दे रहे छे और देख रहे छे कि कौन कौन क्षेत्र में कौन चीज रो विकास होना चाहिए, ओकरा खातिर घूमिक देखी भी रहे छे। विकास के प्रति हम लोग जागरूक भी हैं और सबका बताए रहे छे कि देखो ठंड छे, ठंड में अच्छे से रहना है और किसान परिवार है, किसान परिवार को सबों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अपने खेती के प्रति जागरूक रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति जागरूक रहिए, अपने परिवार के प्रति जागरूक रहिए। और अगर आप घर से मजबूत हो जाते हैं तो आपका गांव भी मजबूत होगा, प्रखंड भी होगा, जिला भी होगा, राज्य भी होगा। बांका के अमरपुर प्रखंड कार्यालय सभागार भवन में व्यापार मंडल चुनाव की नामांकन प्रक्रिया जारी है, जहां सरकारी दिशा निर्देश के बावजूद खुलेआम सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती देखी गई। इस दौरान हजारों की संख्या में प्रत्याशी के समर्थकों की भीड़ प्रखंड कार्यालय परिसर में दिखाई दी, जबकि कोरोना महामारी से बचाव के लिए बिहार सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आम लोगों से मास्क पहनकर चलने की अपील की गई है। बुधवार को व्यापार मंडल चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी के समर्थकों ने नामांकन के बाद बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखाई दिए। वहीं नामांकन कराने के बाद प्रत्याशियों ने जीत का दावा करते हुए अमरपुर के किसान के हित में कार्य करने का भरोसा दिलाते हुए उज्ज्वल भविष्य की बात कही। साथ ही अमरपुर व्यापार मंडल को एक नया रूप देने की भी बात कही गई। हालांकि बात अगर वर्तमान हालात की करें तो अब तक अमरपुर के किसान को अपनी फसल को कीमत पर भी बेचने के लिए भटकना पड़ रहा है, जबकि हर चुनाव में किसानों की सुविधा के नाम पर चुनकर आए प्रतिनिधियों ने महज आश्वासन देने का ही काम किया है। भागलपुर अवर क्षेत्रीय नियोजन कार्यालय प्रांगण में 6 जनवरी को एक दिवसीय नियोजन शिविर का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को होने वाले नियोजन शिविर की शुरुआत दिन के 11 बजे होगी, जो 3 बजे तक चलेगी। इस दौरान गुजरात के अहमदाबाद की कपारो इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 10वीं 12वीं और ITI कर चुके 18 से 35 साल तक के 150 बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिलेगा। नियोजन कार्यालय के अधिकारी की माने तो इस नियोजन शिविर में भाग लेने के लिए आवेदकों का नियोजन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।